आज मैं आपको तीन ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने पास रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते, इवन कि अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड को, बेस्टेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताते। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो ये चीजें बताने से बचिए और शायद उन्हीं को ही बताना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आप कितने पैसे कमाते हैं। आपको कभी किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाते हैं। बात ये नहीं कि उनको पता लग जाएगा कि आप कितने कमाते हैं, बात ये होती है कि उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्ट पता है क्या होता है, कोई कितना भी दोस्त पता है क्या होता है, जलता है, सिंपल खत्म बात। मैं तुमसे पूछूंगा भाई कितना कमाता है, तू बोलेगा भाई मैं 50,000 कमाता हूं, मैं बोलूंगा यार मैं तो 10,000 कमाता हूं, मैं सोचूंगा यार 40,000 मेरे से एक्स्ट्रा कमाता है, साला तभी खुश है, तभी खुश रहता है, क्या करूं यार 40,000 एक्स्ट्रा कमाता है, भाई मेरे से अमीर हो गया यार, ये हो गया, वो हो गया, एक काम करता हूं इसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता हूं ना, ये भिड़ जाएगा कहीं, या एक काम कर देता हूं जिससे दुखी हो जाए, इतना खुश क्यों है, मेरे से ज्यादा पैसा इसके पास क्यों है यार। तो कभी भी आपको किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं। इवन आपको ये भी नहीं बताना चाहिए कि आप मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत हमेशा खामोशी में करनी चाहिए ताकि जो आपकी सफलता है वो शोर ज्यादा मचा सके। लेकिन अपन लोग मेहनत भाई बिल्कुल शोरों शराब में करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इतने घंटे कर रहा हूं, इतने घंटे कर रहा हूं, सफल तो हो ही नहीं पाते, तो शोर कैसा। सेकंड पॉइंट, चुगली। आपको चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नेवर से दैट पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट। लोगों की चुगली करना, बुराई करना, फलाना बंदा ये कर रहा है, फलाना बंदा वो कर रहा है, उसकी मेरे को ये बात अच्छी लगती है, उसकी मेरे को वो बात अच्छी लगती है, भाई चुगली करने से आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि आज तो आपसे चुगली सुन रहा है, कल को उससे सुनेगा, उसकी चुगली आपको बताएगा, आपकी चुगली उसको बताएगा, आप दोनों में लड़ाई हो जाएगी और बंदा निकल जाएगा। चुगली करने से कुछ भी भला नहीं हो पाया, सच बता रहा हूं भाई, कसम से बता रहा हूं। चुगली करना छोड़ दोगे ना तो सच बता रहा हूं 50-55% तो भाई दुविधाएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि मूड ऑफ क्यों रहता है कि फलाने बंदे ने मुझे ये बात कह दी, किससे पता लगा, थर्ड पर्सन से, अब पता नहीं उसने कही भी है नहीं, लेकिन अपन ने तो सच मान लिया ना। तो कभी भी किसी की बुराई मत करो, कितना ही खास क्यों ना हो, कोई चुगली कर रहा है ना कि वो ये करता है वो, सुन लो आराम से, उसको मना भी मत करो, सुन लो भाई आप बोल ले, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पता ही लग रहा है, मुझे तो भाई कहानियां मिल रही, मसाला मिल ही रहा है मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन मसाला दो मत, जिंदगी में मसाला लेना सीखो, देना नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी हो सकता है आप करते हो, लेकिन जो भी काम करते हो ना, उसकी बुराई कभी भी अपने कोवर्कर से, अपने कलीग से नहीं करनी चाहिए। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, वैसे तो स्टूडेंट ही हूं, और मैं अपने क्लासमेट से, अपने बगल वाले बंदे से कहता हूं कि यार जो पढ़ाई है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो तुम्हें क्या लगता है वो बंदा मुझे समझाएगा कि नहीं यार पढ़ाई अच्छी बात होती है, हमें पढ़ना चाहिए, हमारे माँ बाप पैसे लगाते हैं, पढ़ो ये करो वो करो, घंटा वो मुझे उल्टा समझाएगा कि हाँ यार पढ़ाई कुछ क्या फायदा है यार, पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा, पढ़ाई तो ऐसी है, पढ़ाई तो वैसी है, हो सकता है घर जाकर रट्टे मार रहा हो। तो जब भी आप किसी चीज की बुराई करते हैं और खासकर अपने काम की, तो काम आपको पसंद नहीं करता, ना आप काम को पसंद करोगे ना काम आपको पसंद करेगा, और जब काम आपको पसंद नहीं करता है ना, तो भाई पैसे नहीं आते। और जिंदगी में जीने के लिए ना पैसे चाहिए, बुराई नहीं, पैसे कमाने तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है खामोशी में, और अपने काम की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी आप काम करते हैं, अपने साथ वाले दोस्त से, चाहे कितना ही खास क्यों ना हो, उसकी बुराई मत करो। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जब आप जॉब्स वगैरह करते हो, तो वहां पर पता है क्या होता है, बगल वाले बंदे बताते हो ना कि यार ये बंदा ना ऐसा है, ये जॉब ना ऐसी है, ये काम मुझे पसंद नहीं है, वो अपने बॉस को जाके बता रहा होता है कि ये बंदा कह रहा था कि इसको ये काम पसंद ही नहीं है, इसके बॉस ने जानबूझ के इसको ये काम दिया, बहुत चुगली कर रहा था सर। तो भैया फालतू की चीजें मत करो, जो भी काम करते हो ना खुशी खुशी करो, खुशी नहीं मिलती तो काम को छोड़ दो, लेकिन जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करो। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आते हैं उसको ऑन कर देना, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको मिलती रहे।